সকল কারখানা ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে চাকরি না দিয়ে ভারতীয়দের চাকরি দিচ্ছে। আমি বলছি আপনারা বাঙালিদের বাংলাদেশের মানুষের রিজিক কেড়ে নিচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে এই রিজিক কেড়ে নেওয়ার জন্য একদিন জবাব দিতে হবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो जनाब, अब बांग्लादेशियों ने बाइकॉट इंडिया के बाद एक और बाइकॉट का ऐलान भी कर दिया है। वो जो इलीगल भारतीय बांग्लादेश में लगभग 7 लाख के करीब आए हुए हैं, जो टूरिज़्म के वीज़े पर आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं भारत से और आ जाते हैं बांग्लादेश में, लेकिन फिर आकर बांग्लादेश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस और फिर मार्केट्स और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ बांग्लादेश में, उसमें वो काम करने शुरू कर देते हैं। अब जनाब उनकी आ गई है बारी। अब बांग्लादेश की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, और फिर आपको पता है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो बांग्लादेश में आईटी सेक्टर में और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और फिर इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसमें काम करते हैं, उसमें वो जॉब्स करते हैं। अब जो बांग्लादेशी हैं और वो जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स इंडियन हैं, स्पेशली जो इलीगल वर्कर्स हैं, अब उनकी छुट्टी का वक्त आ चुका है, अब उनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा, अब उनको सीधा दिल्ली भेजेंगे, अब उनकी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। यानी इंडियन वर्कर्स को अब निकालने का वक्त आ चुका है और उनकी जगह वो कह रहे हैं कि हम अपने बांग्लादेशियों को रखेंगे और बड़े बड़े ओहदों पर हम अपने बांग्लादेशियों को रखेंगे। क्यों हमने उनको महरूम रखा हुआ है? क्यों हमने देखें, अब बहुत सारे इंजीनियर्स टेक्सटाइल में जो काम करते हैं, बड़े बड़े डेजिग्नेशन में काम करते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर इस वक्त बराजमान हैं, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम अब इंडियंस की बजाय बांग्लादेशियों को ही रखेंगे उसी पोजीशन पर। तो लो जी, एक और झटका दे रहे हैं बांग्लादेशी, इंडिया बाइकॉट, इंडिया आउट, इंडियन प्रोडक्ट्स जितनी भी उसका बाइकॉट, और अब इंडियन वर्कर्स की आ गई है बारी। लगभग व्यूअर्स 26 से 27 लाख इंडियंस बांग्लादेश में काम करते हैं, ये ऑफिशियली डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अनऑफिशियली इससे भी कुछ ज़्यादा होंगे, वो आपने बताना है कितने होंगे, और कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट किया करें, बताया करें कि क्या हो रहा है इस वक्त, तो सारी जो सूरत हाल है हमारे साथ शेयर किया करें। व्हाट्सअप नंबर भी हमारा है, वहाँ आप जाके हमारे साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहली वीडियो की तरफ, ये जो वीडियो है इसकी तरफ पढ़ते हैं, कैसे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बाइकॉट, पुनः बाइकॉट, और फिर अब इंडियन जितने भी इलीगल वर्कर्स हैं उसका टाइम आ चुका है। ले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। एहसान खान अपडेट, ये हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, इसे भी आपने सब्सक्राइब करना है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आप सीधा चले जाएंगे इस चैनल पर, विजिट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगी, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। लें जी वीडियो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब जनाब बांग्लादेश में आईटी सेक्टर में, फिर आपको पता है कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत दुनिया में मशहूर है, और फिर फार्मास्यूटिकल, अब इनमें बांग्लादेशी ही काम करेंगे, बांग्लादेशियों का ही तूती बोलेगा, अब इंडियन की वहां से भी छुट्टी होने जा रही है। ले लो, कर लो और बात ले लो पंगा बांग्लादेश से, पंगा इज नॉट चंगा, अब क्या होगा भारतीयों, बताओ ना कमेंट सेक्शन में, आप भी बता दिया करो अंत भक्तो, आपको क्या है। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। ये सकल कारखाना इंडस्ट्री বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে চাকরি না দিয়ে ভারতীয়দের চাকরি দিচ্ছে। আমি বলছি আপনারা বাঙালিদের বাংলাদেশের মানুষের রিজিক কেড়ে নিচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে এই রিজিক কেড়ে নেওয়ার জন্য একদিন জবাব দিতে হবে। যারা এই দেশের মানুষের চাকরি না দিয়ে যে সকল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডিয়ানদের চাকরি দিচ্ছে তাদেরকে কোনো জবাব দিতে হবে না? কি বলছে নাগরিকদেরকে না দিয়ে
যে ইন্ডিয়ানদেরকে দিচ্ছে, যে আপনারা জানেন 26 লক্ষ, সে কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিকদের রিজিক মেরে দিচ্ছে। কিন্তু এই যে রিজিক মেরে দিচ্ছে, এটা কিন্তু বড় একটা ক্রাইম। তো আমরা সবাইকে সতর্ক করতেছি, সাবধান করতেছি যে আপনারা ভারতীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় আমরা বন্ধ করেছি, পাশাপাশি 26 লাখ যুবক যদি মানে বাংলাদেশে চাকরি পাইতো তাহলে 26 লাখ পরিবার কিন্তু কর্মসংস্থান পাইতো। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো ব্যাপকভাবে ভারতীয়দের নিয়োগ দিছে সেই ইন্ডাস্ট্রি দ্রুতই থালা বাটি নিয়ে রাস্তায় ঘুরবে। আমাদের কথা তো বিশ্বাস হচ্ছে না, বিশ্বাস হচ্ছে না। যত অর্ডার আসবে বিদেশ থেকে এই অর্ডারগুলো পাচার করে দিবে, থালা বাটি নিয়ে ঘুরতে সময় লাগবে না। এবং সমস্ত শোরুম যারা আছে তারা নতুন করে ইন্ডিয়ান পণ্য স্টক করছে না, স্টক করছে না। তারা বলছে যে আপনার আমরা ইন্ডিয়ান পণ্য এই আনসিজা আর আনবো না, পরবর্তীতে আর আনবো না। এবং দেখেন এক একটা দোকান 80%, 50%, 60%, 20% ইন্ডিয়ান পণ্যের উপর ছাড় দিচ্ছে। কেন? ও ইন্ডিয়ান পণ্য কিনতে যে ব্যয় তার চেয়ে কম দামে দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? স্টক ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য দিচ্ছে, তারাও দেশপ্রেমিক। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা দোকানে কুরকুরে লেস এগুলো সামনে দেখা যাচ্ছে, এগুলো ইন্ডিয়ান পণ্য। ঠিক আছে, আমরা একটু দোকানদার ভাইদেরকে একটু অনুরোধ করি, এই আপনারা এগুলো একটু কম কিনবেন, ঠিক আছে? এগুলো পরিবর্তে পটেটো, এই যে এটা ইন্ডিয়ান পণ্য, ঠিক আছে, এই যে এগুলো রাখবেন, এগুলো বেশি বেচবেন। হ্যাঁ, এগুলো বেশি বেচবেন। আগের চেয়ে কুরকুরে কম কিনছে না ভাই? ভাই আগের চেয়ে কম কিনতেছে না? কম কিনতেছে না আগের চেয়ে? কিনতেছে, তাহলে দেখেন। হ্যাঁ, আগের চেয়ে কম কিনতেছে। কিন্তু দেখেন আপনারা দেশি পণ্য মজো আছে আপনাদের কাছে? আছে তো? সত্য কই দেখি একটু। ও মজো আছে, ঠিক আছে। এগুলো সব দেশি পণ্য বেচবেন, বুঝতে পারছেন? এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, আপনাদের দোকানে দেশীয়। হ্যাঁ, এই যে এটা আমাদের দেশের, এটা খুব ভালো সান চিপস, এই যে মিস্টার টুইস্ট সুন্দর একটা জিনিস, এই যে পটেটো, এগুলো রাখবেন আপনারা। এগুলো আপনারা যা ইন্ডিয়ান পণ্য আছে এগুলো আর নিয়েন না, দেশি পণ্য রাখবেন, আপনাদের অনুরোধ। আপনারা সবাই আমাদেরকে সহযোগ। লো জনাব, আব এক ওর খবর ভি আ গই হ্যায়, কেসে আব ইন্ডিয়ানস কো নিকালা জা রাহা হ্যায় বড়ি বড়ি কম্পানি সে জো বাংলাদেশ মে ও কাম করতে থে ইললিগালি। जो आपको ये भी पता होगा कि टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं भारत से बांग्लादेश में काम करने के लिए, लेकिन वो काम करने के लिए कहीं इलीगली वो जॉब्स शुरू कर देते हैं। आते तो वो घूमने फिरने के लिए हैं, अब उनको भी निकाला जाएगा और वहाँ उनकी जगह पे बांग्लादेशियों को रखा जाएगा। बड़ी खबर है, आपने इस वीडियो में देखा बहुत सारी पुन्नों जो देशी हैं उनको ही प्रमोट किया जा रहा है, और इंडियन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकॉट मुहिम इस वक्त पूरे ज़ोरों शोर से पूरे के पूरे बांग्लादेश में जारी है। और ये रिड्यूस हो सकता है, ये कंपेन ख़त्म हो सकती है, ये बाइकॉट इंडिया आउट सब कुछ ये ख़त्म हो सकता है। सिर्फ एक काम भारत कर ले, वो ये है कि एक तो बॉर्डर के ऊपर जो किलिंग प्रॉब्लम चल रही है, बांग्लादेशियों को मारा जा रहा है, यानी उनके बीजीबी के जितने भी अहलकारों को, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पानी का मसला है और वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर शेयरिंग का, टिस्टा रिवर का, वो 1970 से लेकर 2024 तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। हालांकि शेख हसीना की चौथी हुकूमत आ चुकी है, मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं लगातार हुकूमत करते हुए को, लेकिन अगर इंडियंस वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो फिर भी ये कंपेन ख़त्म हो सकती है। और जो बीजेपी हिंदुत्व की सोच वाले लोग हैं वो बांग्लादेशियों के साथ कुछ प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, देन भी ये मसला हल हो सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।